नमस्कार, 7C पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं छवि और मैं हाजिर हूं हिमाचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हिमाचल आजकल में। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने हिमाचल के सियासी दंगल में भरी हुंकार, केलंग में चुनावी रैली कर केंद्र की योजनाओं का किया बखान। वही भाजपा दिग्गज भी नहीं रहे हैं प्रचार में पीछे। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने सुंदरनगर में जनसभा को किया संबोधित, यूपीए सरकार पर जमकर निशाने साधे। शिमला में गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी व भ्रष्टाचार के विरोध में भाजपा ने किया प्रदर्शन, यूपीए सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। तो वही कांग्रेस के बागी धर्मवीर धामी ने पार्टी को याद दिलाई अपनी कुर्बानियां। और आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। हिमाचल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने हिमाचल का रुख कर रखा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने वीरवार को जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलंग में चुनावी रैली में केंद्र सरकार की कई योजनाओं का बखान कर कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर के लिए समर्थन मांगा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में जहां इन दिनों मौसम का पारा शून्य के आसपास चल रहा है, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने जिला मुख्यालय केलंग में चुनावी रैली कर कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। इस चुनावी रैली में राहुल के निशाने पर प्रदेश की भाजपा सरकार रही। उन्होंने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बताते हुए कहा कि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं और भाजपा सेठों की सरकार चलाती है। हम आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको देश से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने अभी मुझे बताया कि जिसका काम तेजी से करना है और हम करेंगे, हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनका नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चलाते हैं गरीबों की सरकार, मनरेगा की सरकार और वो चलाते हैं अमीरों की सरकार। जो सरकार आपकी जमीन छीनती है, बिल्डरों को देती है, भ्रष्टाचार करती है। हम आपसे सिर्फ एक वायदा करेंगे, अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो आम आदमी की सरकार होगी। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कांग्रेस सरकार ने किया है। जनसभा को कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। ठंड के बावजूद रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लाहौल से कुंदन लाल, 7C हिमाचल आजकल। सर्द हवाओं ने हिमाचल का तापमान लुढ़का दिया है, परंतु चुनावी माहौल के कारण आम जनता को सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टार प्रचारकों की तूफानी जनसभाओं ने सियासत का माहौल गर्म कर रखा है और आए दिन किसी न किसी बड़े नेता की रैली आयोजित हो रही है। इसी कड़ी में भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने सुंदरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की यूपीए सरकार और प्रदेश कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्र की यूपीए सरकार ने देश को केवल मात्र महंगाई और भ्रष्टाचार ही दिया है, जिसके कारण देश के आम नागरिक का जीना मुश्किल हो गया है। यह शब्द लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने बीबीएमबी कॉलोनी के S0 चौक में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में ये दो ही बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि जब जब केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकारें बनी, तब तब आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में आसमान को छुआ है। उन्होंने कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर कई बार संसद में आवाज उठाई गई, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की नींद नहीं टूटी। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई बढ़ने के दो ही कारण हैं, एक सरकार की गलत नीतियां और दूसरा सरकार के मंत्रियों का भ्रष्टाचार में शामिल होना। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर भ्रष्टाचार की काली पुतने लगी तो इसी तरह के आरोप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी पर भी लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी तरह के जांच के लिए तैयार हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार की सराहना करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि धूमल सरकार ने जनहित में अनेक निर्णय लिए हैं तथा इन निर्णयों में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा के बेहतर कार्यकाल के चलते ही प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में अवार्ड मिले हैं। जहां तक केंद्र सरकार का ताल्लुक है, दो ही उपलब्धियां हैं उसकी। एक तो वो भीषण महंगाई से आम आदमी की कमर तोड़ रही है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का नया रिकॉर्ड बना रही है। एक फिल्म बनी पीपली लाइव, उसमें एक गीत बना
क्या था वो गीत? सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई दायन मार जाते हैं। और ये जो तर्क देते हैं महंगाई को बढ़ाने के लिए, वो सारे बेतु के तर्क है, वो तर्क नहीं कुतर्क है। सुंदरनगर से नितिन शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ाना हमेशा विवादों का विषय रहा है। प्रदेश की भाजपा सरकार गैस की कीमत को लेकर भारी रोष जता रही है, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिमला के उपायुक्त कार्यालय से लेकर शेरे पंजाब तक रोष रैली का आयोजन किया। इस रैली में सांसद अनुराग ठाकुर सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सांसद अनुराग ठाकुर का कहना है कि केंद्र सरकार ने गैस के दाम बढ़ाकर आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है, जिसके कारण आम लोगों में केंद्र सरकार के खिलाफ भारी रोष है। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए गैस के दामों को लेकर प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। वीरवार को शिमला में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आम जनता के साथ मिलकर केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ एक रोष रैली निकाली। शिमला के उपायुक्त कार्यालय से लेकर शेरे पंजाब तक आयोजित रैली में सांसद अनुराग ठाकुर व भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अनुराग ठाकुर का कहना है कि केंद्र सरकार देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने केंद्र सरकार द्वारा गैस की कीमतों में की गई वृद्धि से राहत देने के लिए प्रदेश के लोगों को बिजली का चूल्हा सत्ता में आने पर मुफ्त देने का वायदा किया है। महंगाई आम आदमी को सता रही है, कांग्रेस भ्रष्टाचार में मस्त है और आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। आम आदमी को कांग्रेस ने दिया है तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। रसोई गैस का सिलेंडर 990 रुपये से ज़्यादा कीमत होगी, कैसे गृहिणी की रसोई चलेगी? उसकी रसोई में आग किसी ने लगाई है तो रसोई गैस के सिलेंडर ने कांग्रेस ने आग लगाई। कांग्रेस और महंगाई तो सगी बहने हैं, एक आती है दूसरी खुद ब खुद चली आती है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस ने जो आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ाए हैं और साथ ही साथ रसोई गैस के दाम बढ़ाए हैं, उसके खिलाफ हम पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। रसोई गैस का सिलेंडर लगभग 1000 रुपये का पड़ेगा और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विकल्प दिया है कि जहां सिलेंडर लाया आफत, बिजली का चूल्हा देगा राहत। भाजपा का बिजली का चूल्हा ना केवल मुफ्त है, बल्कि अगर उसको चलाने की कीमत भी लगभग 1/4 गैस के चूल्हे से आएगी, एक बहुत बड़ी राहत महिलाओं के लिए, हर परिवार के लिए दी है। उधर रैली में शामिल एक गृहिणी का कहना है कि केंद्र सरकार ने मात्र 6 सिलेंडर पर सब्सिडी देकर आम आदमी का मजाक उड़ाया है। गृहिणी का कहना है कि महंगाई के इस दौर में आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। जो केंद्र सरकार का निर्णय आया है कि हर परिवार को मात्र 6 सिलेंडर सब्सिडी पे उपलब्ध होंगे और जो 7वां सिलेंडर है वो करीब 900 रुपए के करीब पड़ेगा, इस निर्णय का हर गृहिणी की रसोई पर बहुत गहरा असर हुआ है। जिस तरह से राशन महंगा हुआ है, तेल महंगा हुआ है और हर चीज में महंगाई बढ़ी है, उसके कारण सबसे ज्यादा जो सफर कर रही है वो एक भारतीय देश में जो गृहिणियां हैं, जो ज्यादातर घर चलाती हैं, जिनको रसोई संभालनी होती है, अपना बजट संभालना होता है, वो सबसे ज्यादा सफर कर रही हैं। और जो ये कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया है, ये बहुत ही निंदनीय है और एक गृहिणी होने के नाते हमारा अनुरोध है केंद्र सरकार से कि वो हर गृहिणी का ध्यान रखे ताकि उसको अपनी रसोई चलाने में कोई कठिनाई ना आए, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि भाजपा सरकार प्रदेश चुनावों में गैस की कीमतों को एक अहम मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जा रही है। शिमला से अनिल चौहान की रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। मनाली विधानसभा क्षेत्र के टिकट आवंटन को लेकर कांग्रेस हाईकमान से नाराज चल रहे एवं इसी क्षेत्र से बतौर आजाद चुनाव लड़ रहे धर्मवीर धामी ने आखिर कांग्रेस के लिए उनके द्वारा दी गई कुर्बानियों से अपने कार्यकर्ताओं को भी रूबरू करवाया। धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए उन्होंने अपना खून बहाया है और कई बार पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ जेल की हवा भी खाई है। धर्मवीर धामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए हर संभव कार्य किए हैं। 42 दिनों तक संजय गांधी के साथ तिहाड़ जेल में, 18 दिन वीरभद्र सिंह के साथ शिमला जेल में और 5 दिन आनंद शर्मा के साथ कैथू जेल में बिताए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राजकृष्ण गौड़ और बीजेपी के गोविंद ठाकुर ने भी यहां से बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, परंतु इनको मेरे जैसा पार्टी ने नहीं उलझाया। इससे साफ लगता है कि पार्टियां भी दोहरी नीति अपनाती हैं। गौर साहब को पूछिए, आज के प्रत्याशी को पूछिए, आपने कांग्रेस के नाम पर कितनी बार खून दिया? मैंने गुंजा बार दिया। मैं संजय जी के साथ 42 दिन तिहाड़ जेल में रहा,
वीरभद्र सिंह जी के साथ 18 दिन शिमला जेल में रहा, अनंत शर्मा के साथ 5 दिन कैथू जेल में रहा, गौर साहब शिमला से भाग आया और कुल्लू आके बैठ गए, और कौन सा काम है कांग्रेस के लिए जो नहीं किया? यहां तक कि कांग्रेस की लड़ाइयां हर मंच पर लड़ी, कौन नहीं है दलबद्ध? क्या राजकिशन कौर ने चुनाव नहीं लड़ा? इंडिपेंडेंट ट्रेजू निशान था उनका। मनाली से जीत सूद की रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल विधानसभा चुनावों में गोविंद आचार्य द्वारा गठित हिमाचल स्वाभिमान पार्टी भी अपना भाग्य आजमाने जा रही है। हिमाचल स्वाभिमान पार्टी देश में फैले भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे को लेकर एक लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है और अब पार्टी ने चुनावों के माध्यम से देश की बुराइयों को खत्म करने का फैसला किया है। पार्टी के शिमला शहरी से प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार एक व्यापारी और जाने माने समाज सेवी है। सुरेंद्र कुमार लंबे समय से राजनीति से जुड़े रहे हैं और हिमाचल स्वाभिमान पार्टी से जुड़कर देश की सेवा करना चाहते हैं। आइए उनसे करते हैं हिमाचल स्वाभिमान पार्टी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण चर्चा। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी कि प्रदेश में अब तक कांग्रेस और भाजपा की सरकारें रही हैं, इन पार्टियों पर आपका क्या कहना है? किसी पार्टी को सारी जनता जानती है कि इन पार्टियों के क्या करते हैं। मुझे कोई पार्टियों के बारे में कोई विशेष कुछ नहीं कहना है। आज हम धारा 118 की बात करते हैं। प्रदेश की सारी भूमि एक सरकार कहती है पहले वालों ने कहा, दूसरी सरकार कहती है कि उन्होंने बेचा था, हमने नहीं बेचा। 118 पे मैं अपनी पार्टी की तरफ से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 15 साल के प्रमाण पत्र के साथ बिना अनुमति के 6 बिस्वा और फ्लैट की रजिस्ट्री बिना किसी परमिशन के होनी चाहिए, धारा 118 में संशोधन होना चाहिए। आप बात करते हैं समर्थन की, क्योंकि हिमाचल स्वाभिमान पार्टी केवल 16 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और बात आएगी बहुमत की, तो पार्टी किस पार्टी को, हिमाचल स्वाभिमान पार्टी किस राजनीतिक दल को समर्थन देगी? हम जो इस पार्टी का गठन हुआ है आदरणीय गोविंदाचार्य जी जो पहले आरएसएस के प्रमुख थे उनके विचारों से, आदरणीय केजरीवाल जी रामदेव जी के विचारों से हम संबंधित हैं। जो एंटी करप्शन की बात करेगा, जो प्रमुखता से भ्रष्टाचार का विरोधी होगा, और अगर हमारे विचारों से कोई सहमत नहीं होगा तो हम किसी को भी समर्थन नहीं देंगे। बाकी अगर जनता का, आम आदमी की कोई बात करेगा, कोई सरकार बात करेगी तो उसके लिए हमारा समर्थन होगा। सर, बात करें 16 उम्मीदवारों की, तो 16 उम्मीदवारों की विश्वसनीयता को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? अगर उनकी विश्वसनीय पर हम सवाल खड़े करते हैं तो आज बहुत सी पार्टियां हिमाचल में चुनाव लड़ रही हैं। अब हिलोपा की बात करते हैं, हिलोपा एक ऐसा दल बना है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती जी ने कुनबा जोड़ा, तो उस तरह की विचारधारा तो नहीं है। हमने जितने भी प्रत्याशी हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो पहले किसी न किसी क्षेत्र में पंचायत का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, उन्हीं लोगों को लिया है। अगर हमने भीड़ इकट्ठी करनी होती हमारे को 45 प्रत्याशियों की, हमने एक एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में दिया है, हमने भीड़ नहीं इकट्ठी की है, हमने बड़े ईमानदार कर्मठ व्यक्तियों को टिकट दिया है जो आम आदमी आम जनता से जुड़े हुए हैं। हमें पूरा यकीन है कि 16 में से हमारे लगभग 2/3 प्रत्याशी जीत कर आएंगे। समय है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे हिमाचल की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।